पटना से बनारस और गुवाहाटी के लिए रेल यात्रियों को हाई स्पीड ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय बजट में इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। बजटीय प्रावधानों के अनुसार यूपी व बिहार के इलाके बंगाल के रास्ते पूर्व उत्तर भारत से हाई स्पीड रूट से जुड़ेंगे। बनारस से पटना होते गुवाहाटी तक के हाई स्पीड रूट से लोगों का समय बचेगा। माना जा रहा है कि पटना से गुवाहाटी के बीच की रफ्तार 5 से 6 घंटे में तय हो सकेगी, जबकि पटना वाराणसी के बीच मात्र 2 घंटे का सफर होगा। हाई स्पीड ट्रेन के लिहाज से पटरियों को दुरुस्त करने का काम जल्द शुरू होगा। पूर्व मध्य रेल के पूर्व जीएम और रेलवे मामलों के विशेषज्ञ मधुरेश कुमार ने कहा कि लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी चंद घंटों में तय होने से यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी। पटना से बनारस के बीच 245 किलोमीटर की दूरी है, जबकि पटना से गुवाहाटी की 886 किलोमीटर का सफर हाई स्पीड ट्रेन से तय होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।